गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल इंटरेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड 76 से लेकर 81 तक। सेक्शन 5 हमें बताता है सर्टेन लॉज नॉट अफेक्टेड बाय एक्ट एंड सेक्शन 6 जनरल एक्ट, जो हमें एक्सप्लेन किया गया है 76 से लेकर 105 तक, बट आज हम 81 तक कवर करेंगे। सेक्शन 5 पढ़ने से पहले आप जाओ अपनी पुरानी वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने सेक्शन 4 तक एक्सप्लेन करा आईपीसी की इंट्रोडक्शन दी है। चलो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बोलता है सर्टेन लॉज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, बाय द एक्ट, विच मीन्स दैट कि जैसे सोल्जर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गया, और जो लॉ से रिलेटेड लोग होते हैं उनसे अगर कोई मिस्टेक होती है या फिर वो कुछ करते हैं तो उनके लिए आईपीसी नहीं यूज होता। बेसिकली उनके अगर अपने लॉज के अंदर कर रहा होता है ना, तो वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है। अगर उन्होंने लॉ के बाहर जाके कर रहा है देन दे विल बी लाइबल फॉर दैट एक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 होता है जर्नल एक्ट, जो हमें रिलीफ दिलवाता है, इवन क्रिमिनल को रिलीफ दिलवाता है अपने काम से। जैसे उसने एक्सीडेंट करा है तो वो बोल सकता है कि मेरे एक्सीडेंट मैंने जानबूझ के नहीं करा, बाय चांस हुआ है, या फिर उसने कोई गलती करी है, तो उसके लिए भी वो रिलीफ ले सकता है। बहुत सारे रिलीफ है इससे। अब हम पढ़ते हैं पहला रिलीफ जो एक्सप्लेन किया गया है 76 और 79 में। फर्स्ट रिलीफ इज सेक्शन फर्स्ट रिलीफ इज मिस्टेक, जो हमें बताता है कि अगर किसी बंदे ने या फिर पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ फैक्ट के लिए मिस्टेक करा है तो वो लाइबल नहीं होगा फैक्ट डिस्क्राइब करने में। अगर उसने लॉ से रिलेटेड कोई करा है मिस्टेक तो दैट पर्सन विल बी लाइबल फॉर दैट। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, केस लॉ लेते हैं आर वर्सेस टॉलसन। इसमें बताया गया है कि आर, और इसमें था कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए सिक्स ईयर वेट किया था, क्योंकि हस्बैंड 6 या 7 साल से उसे दूर रह रहा था। 7th ईयर में आके हस्बैंड ने वाइफ पर केस कर दिया कि इसने सेकंड मैरिज कर ली, जबकि वाइफ ने हर कोशिश करी थी हस्बैंड को ढूंढने के लिए। उसने पोस्टर सिलवाए, उसने कंप्लेंट करी, हर जगह सर्च करा, बट वो मिला नहीं। उसने 6 ईयर तक वेट करा, बट बेसिकली 7 ईयर तक होता है। अगर 7 ईयर तक हस्बैंड नहीं मिलता तो उसके हम नेक्स्ट शादी कर सकते, सेकंड मैरिज कर सकते, बट इसने 6 ईयर बाद ही कर ली थी। बट कोर्ट ने ये बोला कि इसकी मिस्टेक नहीं है कोई और ये लाइबल नहीं होगी वाइफ, क्योंकि उसने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कोशिश करी, तुम मिले नहीं तो उसने सेकंड मैरिज करी। तो इसमें आर को रिलीफ मिल गया एज अ मिस्टेक। तो अब हम लेते हैं सेक्शन 77-78 विद द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। 77 बताता है हमें कि अगर कोई जज ने कोर्ट के आर में कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं है, और उसको प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर उसने कोई बिग डिसीजन लिया है तो उसके पुलिस रहेगी, कोई उसको हार्म ना कर सके। और 78 हमें बताता है कि जुडिशियल में कि अगर जैसे जलाद होता है, अब उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको फांसी चढ़ानी है, तो जलाद कभी भी लाइबल नहीं होगा उसके मर्डर, जिसको उसने चढ़ाया उसके मर्डर के लिए, क्योंकि वो लॉ के अंदर कर रहा है। बेसिकली अगर कोई पर्सन कोई भी चीज लॉ के अंदर करता है तो वो लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, और इफ अगर पर्सन ने लॉ के बाहर करा तो वो रिलीफ नहीं ले सकता ये, क्योंकि ये सिर्फ लॉ से रिलेटेड पर्सन के लिए है कि जैसे जलाद हो गया या पुलिस ऑफिसर ने थर्ड डिग्री यूज करी है किसी से बुलवाने के लिए सर, तो भी वो इस चीज का रिलीफ ले सकते हैं। अगर कोई सिंपल पर्सन, अगर मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, जैसे ए और बी फ्रेंड्स है और ए ने बी को मारा बहुत बुरी तरह, इवन तुम कह सकते हो कि थर्ड डिग्री यूज करी, तो ए रिलीफ नहीं ले सकता क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ना वो किसी लॉ के अंदर काम करता है, गवर्नमेंट में काम भी नहीं करता, तो ए ये वाला रिलीफ नहीं ले सकता, ए वुड बी लायबल अंडर आईपीसी। अब हम पढ़ते हैं एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट होता है जैसे हमने किसी को मार दिया, बट अगर हमने जानबूझ के नहीं मारा, हमसे सिर्फ एक्सीडेंट हो गया कि अगर सामने से बता बहुत स्पीड में आ रहा है, हम बहुत स्लो जा रहे हैं, हमारी लिमिट ठीक है, और वो जाके टक्कर कर दी, तो हम ये रिलीफ ले सकते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं करा। इसमें है एक केस कह सकते हैं हम, जगेश वर्सेस एम्परर। इसमें है कि दो पर्सन ना फाइट कर रहे होते हैं, दो लड़के फाइट कर रहे होते हैं, और एक लड़के की वाइफ आती है और उसके हाथ में छोटा बच्चा होता है, तो दूसरे लड़के ने दूसरे लड़के को मारने के लिए हाथ उठाता है और वो हाथ गलती से बच्चे पे लग जाता है, तो बच्चे की वहीं डेथ हो जाती है। वो एक्सीडेंटल नहीं था, पर उसको पता था कि एक्चुअली हार्म होएगा, तो उसके लिए जब उस बंदे को लाइबल ठहराया गया था और उसको ये रिलीफ नहीं दिया गया था,
बेसिकली इसमें बोला गया है कि अगर हम कुछ इंटेंशनली नहीं करते और हमें नॉलेज नहीं है कि वो चीज हो रही है तो हम लायबल नहीं है और हम ये डिफेंस ले सकते हैं। फोर्थ इज सेक्शन 81 दैट इज अबाउट नेसेसिटी, विच मीन्स दैट कि अगर हमें नेसेसरी है वो चीज करना, बड़े काम बड़े एक्सीडेंट को रोकने के लिए छोटा करना वो लायबल नहीं होगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि हम साइड से जा रहे थे और यहाँ पे गाड़ी है और वहां से ट्रक आ रहा है, गाड़ी ने टक्कर एक आदमी को मार दिया, वो छोटी है छोटा एक्सीडेंट। अगर ट्रक और गाड़ी का एक्सीडेंट होता बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट होता तो वो बड़ा मेजर एक्सीडेंट को हटाने के लिए उसको छोटा सा करा तो वो लायबल नहीं उठाया जाएगा और वो ये एक्सेप्शन ले सकते अपने आप को बचाने के लिए। तो मुझे लगा कि अभी तक आपको मेरी सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।